टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइजेस 7.4. टुडे वी विल डिवाइड मोनोमियल बाय मोनोमियल, देन बायनोमियल बाय मोनोमियल एंड देन ट्राइनोमियल बाय बायनोमियल. ओके, सो आवर फर्स्ट पार्ट इज डिवाइड मोनोमियल बाय मोनोमियल. आवर फर्स्ट पार्ट इज मोनोमियल बाय मोनोमियल. मोनोमियल मतलब वन टर्म ना आप डिवाइड करना है. लाइक आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 27 एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई. आज आप डिवाइड करना है फर्स्ट पार्ट वाइज 27 एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई. तो आप लिखेंगे 27 एक्स स्क्वायर की लिखेंगे आप ब्रेक कर लेंगे आप x इंटू y डिवाइडेड बाय x इंटू वाई. आप इन्हों क्या सिंपल टर्म के ब्रेक कर लेंगे, सिंगल सिंगल टर्म के ब्रेक करा. उस तो बाद देखो x नाल x कैंसल y नाल y कैंसल. सो आवर आंसर इज 27 एक्स वाई. सिंपल जहा काम है, जो उपर वाली टर्म है उन्होंने अलग अलग ब्रेक कर लो, थले वाली टर्म में भी किया ब्रेक कर लो टर्म के जो कैंसल हो रहा कैंसल करके बाकी जो बचा दैट इज आवर आंसर. लाइक सैकेंड क्वेश्चन इज B part is minus 14 xy square by minus 7. So we will write minus 7 xy square divided by minus 7. अपन इन्हें break करांगे. 14 नो की लग सकते हैं अपन 2 into 7 into x into y क्योंकि y दी square है तो y दो बार लिखा गया. 14 नो की लगता 2 into 7 that is minus 7. Cancel 7 with 7. माइनस विद माइनस. सो आंसर की बचे एक तो 2 बच गया, एक एक्स वाई किन्ने अपने को 2 तो दैट इज वाई स्क्वायर दैट इज अवर आंसर. आई होप तुम समझ आ रहा होगा. सिंपल टर्म के ब्रेक करना, सिंगल सिंगल टर्म के ब्रेक करके उस तो बाद की आप जो कैंसल हो रहा कैंसल कर लेंगे दैट मीन फैक्टर कर लेंगे आप सिंपल फैक्टर कर लेंगे अलग अलग सारे उस तो बाद जो कैंसल हो रहा कैंसल करेंगे. लाइक सी पार्ट टी पार्ट सॉल्व कर दें आप. टी पार्ट इज 30 ए बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय ए बी सी. तो सब तो पहले देखो 30 इतने कोई भी अपने को न्यूमेरिकल कोफिशियंट नहीं है तो 30 आप ब्रेक नहीं करांगे. जे इतने कोई न्यूमेरिकल कोफिशियंट है तो आप ब्रेक करने की जरूरत है. तो आप इन्हें की लिखांगे 30 इंटू ए बी दी स्क्वायर है तो बी नू दो बार लिखांगे इंटू सी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी. जो टर्म है सिंपल फैक्टर दे विच ब्रेक कर लिया आप ए नाल ए कैंसल बी नाल बी कैंसल एक सी नाल सी कैंसल. तो बाकी की बचा अपने को 30 बचा उस तो बाद एक बी बचा दैट इज अवर आंसर. अपना मेन काम की है जो भी टर्म है सिंपल फैक्टर दे विच ब्रेक करो. जिवें अपने कोई न्यूमेरिकल कोफिशियंट नहीं है तो आप 30 नू सेम लिखा. जे कोई न्यूमेरिकल कोफिशियंट हों लाइक 1, 2, 3 कुछ भी हों तो आप 30 नू की कर दे ब्रेक कर दे. जिवें नैक्सट क्वेश्चन है डी पार्ट -22 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 11 ए बी. इनू आप 11 ए बी नाल की करना है डिवाइड. तो देखो सब तो पहला 22 नू की लिखांगे आप -2 इंटू 11 क्योंकि 11 टू जाके होंगे 22. ए का स्केयर है दैट मीनस ए इंटू ए बी का स्क्वेयर है दैट मीन बी इंटू बी दैन इट इज़ अ सी डिवाइडेड बाय 11. 11 के कोई मतलब फैक्टर नहीं होंगे तो 11 नू सेम लिखांगे 11 इंटू ए इंटू बी. हुण 11 नाल 11 कैंसल उस तो बाद ए नाल ए कैंसल एंड बी नाल बी कैंसल. तो बाकी अपने को बचा -2 बच गया एक तो उस तो बाद एक ए बचा एक बी बचा एक अपने को बचा सी दैट इज अवर आंसर. सब तो पहला आप करना है जो भी न्यूमेरिकल कोफिशियंट है जो दोवों को न्यूमेरिकल कोफिशियंट है तो आप न्यूमेरिकल कोफिशियंट को फैक्टर के ब्रेक करा. लाइक 22 को आप किवें लिख सकते इस तरह ब्रेक कर लिया करो 22 पहला 2 से गया 11 11 से गया 1. तो आप 22 नू की लिख सकते हैं 2 इंटू 11 दैट इज अवर आंसर ऑफ डी पार्ट. नाउ लेट्स सॉल्व ई पार्ट. ई पार्ट अपने को है 5 एक्स स्क्वायर रेड डिवाइडेड बाय
5z, अपने को क्वेश्चन है 5x2z डिवाइडेड बाय 5z। तापा देखो इनके कोल भी 5 है, इनके कोल भी 5 है, तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं, आप सेम लिखेंगे 5x2 नु x into x into z डिवाइडेड बाय 5z, 5 into z लिख सकते हैं। हम देखो 5 नाल 5 कैंसिल, z नाल z कैंसिल, बाकी की बचा x into x, सो दैट कैन बी रिटन एज एक्स के, तो इनका अपने को आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। उस तो बाद लास्ट एफ पार्ट अपने को 49 a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय 7। तो देखो 49 आप ब्रेक करांगे, सब तो पहला 49 7 ते जांदा, 7 7 जा 49, अगेन 7 ते 7, तो 49 नु की लिख सकदे हां 7 × 7 × a × a × b। a नु दो बार क्यों लिखा, क्योंकि a दी पावर कितनी है, 2 है, डिवाइडेड बाय 7, 7 दे कोई फैक्टर नहीं हुंदे, सो 7 कैंसिल 7, सो आंसर इज 7 a × a a² × b, सो दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट डिवाइड मोनोमियल बाय मोनोमियल। आई होप तुहानू सारे नू समझ आ गया होगा, बस सिंपल जा काम करना है, ब्रेक करना जो टर्म है उन्हें फैक्टर दे विच ब्रेक करके आप जो कैंसल हो रहा कैंसल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को डिवाइड पॉलीनोमियल बाय मोनोमियल। देखो पॉलीनोमियल क्यों क्या है, क्योंकि इतने अपने को एक टर्म भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तीन तो ज्यादा भी आ सकती है, तो मैं सिर्फ इतने पॉलीनोमियल लिख लिया, क्योंकि जो मैं बायनोमियल लिखता तो दो टर्म लेने, ट्राइनोमियल लिखता तीन लेना, एक आ जाए ज्यादा आ जाए, तो मैं इतने पॉलीनोमियल लिखा पॉलीनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल। देखो उपर तीन टर्म है, थले अपने को सिंगल एक टर्म है, तो आप कि लिखा, सब तो पहला 15x³ −3x² −3x डिवाइडेड बाय 3x। देखो कई बच्चे सीधा इस तरह कैंसल करते हैं, ये रोंग आंसर है, ओके इस तरह नहीं करना, आप करना इन सारे अलग अलग करना है, ओके लाइक जिम्मे आप एलसीएम लें, तो आप सारे अलग अलग ब्रेक करा, 15x³ डिवाइडेड बाय 3x −3x² डिवाइडेड बाय 3x −3x डिवाइडेड बाय 3x। जो 3x है मैं कॉमन दे डिवाइड कर दिता, ओके जो 3x है मैं सारे कॉमन दे डिवाइड करता, इधर भी 3x, इधर भी 3x, इधर भी 3x। हुण देखो 15 नू की लिखांगे आपां, 5 × 3 × x × x × x, 5 × 3 = 15xxx, दैट इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 × x। इस टर्म नू आपां की है फैक्टर दे विच ब्रेक कर लिया, उस तो बाद इसनू लिखो, ये तो 3 सेम है, 3 × x × x डिवाइडेड बाय 3 × x, 3x² है, ब्रेक किया 3 × x × x डिवाइडेड बाय 3 × x, लास्ट अपने को 3 × x डिवाइडेड बाय 3 × x। आप सारे की है जिन्हें भी टर्म है सारे अलग अलग फैक्टर दे विच ब्रेक किया, नाउ कैंसल 3 with 3, 3 + 3 कैंसल, x + x कैंसल, इतने 3 + 3 कैंसल, x + x कैंसल, 3 + 3 1x + 1x कैंसल, उपर देखो कि बचे एक तो बच गया 5 नाल x × x² बच गया, ओके देखो जो कैंसल होने तो बाद बचे आप मल्टीप्लाई करके लिखांगे x × x इज x² 3 + 3 कैंसल x + x तो इतने ओनली की बचे अपने को x अगेन माइनस 3 + 3 कैंसल x + x सारा कुछ कैंसल करके की बच गया इतने अपने को 1 सो दैट इज आवर आंसर। सिंपल जे स्टेप फॉलो करने हैं अपने को उपर जो भी पॉलीनोमियल है उन्हें सारे थले आप लिखांगे 3x, उस तो बाद सेम फर्स्ट पार्ट की तरह आप करांगे अलग अलग मतलब कि फैक्टर करके, उस तो बाद जो कैंसल होंगे कैंसल करके जो बाकी बचे दैट इज आवर आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं आप बी पार्ट इज 2a² b −4ab² +8ab डिवाइडेड बाय 2ab। आप इस चीज नू डिवाइड कर रहे हैं, तो सब तो पहला सेम प्रोसीजर 2a² b −4ab² +8ab डिवाइडेड बाय की आ गया अपने को 2ab। पहला आप लिखा पॉलीनोमियल दे थले आप मोनोमियल, हम सारे नो अलग अलग करांगे, टी डिवाइडेड बाय 2ab 4ab² डिवाइडेड बाय 2ab
एट ए बी डिवाइडेड बाय टू ए बी, सारे मैं की किया अलग अलग किया। हम देखो इन्हों दे फैक्टर कर दिया, टू इंटू ए इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय टू इंटू ए इंटू बी, मैं सारे की किया अलग अलग फैक्टर के ब्रेक किया, टू सेम ए की पावर दो है तो ए इंटू ए बी एज इट इज, थले टू ए बी सारे अलग अलग मल्टीप्लाई। फोर नू की लिखांगे आप, टू इंटू टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय टू इंटू ए इंटू बी, प्लस एट नू की लिख सकते आप, एट नू लिखांगे टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय टू इंटू ए इंटू बी। ओके हम देखो जो कैंसल हो रहा, टू नाल टू कैंसल, ए नाल ए कैंसल, बी नाल बी कैंसल, इतने टू नाल टू कैंसल, ए नाल ए कैंसल, बी नाल बी कैंसल, इतने भी टू नाल टू कैंसल, एक ए नाल एक ए कैंसल, बी नाल बी कैंसल, तो बाकी की बचा पहले पार्ट अपने को ओनली ए माइनस, इतों की बचा टू एंड बी दैट इज टू बी, प्लस लास्ट पार्ट के ए भी कैंसल हो गया सर, बचा टू इंटू टू दैट इज फोर, सो दैट इज अवर आंसर। मैं की किया पहला अपन अलग अलग किया, उस तो बाद सिंपल फैक्टर के ब्रेक किया, जो कैंसल हो रहा उन्होंने कैंसल करो, बाकी जो बचा दैट इज अवर आंसर। नैक्सट इज सी पार्ट, नैक्सट अपने को सी पार्ट है, सी पार्ट की है सिक्स ए पावर फोर प्लस ट्वेल्व ए क्यूब माइनस एटीन ए स्केयर डिवाइडेड बाय सिक्स ए स्केयर, इस टर्म आप करना है डिवाइड करना है, तो सब तो पहला इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट चल रहा, चलो पूरा प्रोसीजर ही फॉलो कर दें, डिवाइडेड बाय की आ गया सिक्स ए स्केयर। हम की करेंगे आप इतने अलग अलग लिखांगे, सिक्स ए पावर फोर डिवाइडेड बाय सिक्स ए स्केयर, ट्वेल्व ए पावर थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स ए स्केयर, एटीन ए स्केयर डिवाइडेड बाय सिक्स ए स्केयर। हम आप सारे की करना है डिवाइड करना, पहला सिक्स देखो थले भी सिक्स है उपर भी सिक्स है, आप ब्रेक नहीं करते, ए पावर फोर न ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए फोर बार लिखा, थले सिक्स ए एज इट इज ए इंटू ए, ए स्केयर न ए इंटू ए, ट्वेल्व न की लिख सकते आप, सिक्स टू जा ट्वेल्व इंटू ए इंटू ए इंटू ए डिवाइडेड बाय सिक्स इंटू ए इंटू ए, क्योंकि सिक्स के टेबल च ट्वेल्व आ रहा तो मैं सिक्स इंटू टू की फॉर्म के लिखा नहीं, नैक्सट सिक्स के टेबल च एटीन भी आ रहा तो इन आप लिखांगे सिक्स इंटू थ्री इंटू ए डिवाइडेड बाय सिक्स इंटू ए इंटू ए। ओके मैं सारे के सिंपल फैक्टर के ब्रेक किया, कैंसल सिक्स विद सिक्स, वन ए विद वन ए, सैकेंड ए विद सैकेंड ए, उपर की बचा ओनली ए इंटू ए दैट इज अ ए स्केयर, प्लस सिक्स नाल सिक्स कैंसल, ए नाल ए कैंसल, दूजे ए नाल दूजा ए कैंसल, तो बचा कि टू एंड ए दैट इज टू ए, माइनस सिक्स नाल सिक्स कैंसल, एक ए नाल एक ए कैंसल, दूजे ए नाल दूजा ए कैंसल, तो इतने की बचा अपने को ओनली थ्री, सो दैट इज अवर फाइनल आंसर। आप की किया सिक्स ट्वेल्व एटीन पहला ब्रेक किया, नाल ए वाले नू ब्रेक करके सिक्स ए स्केयर नाल कैंसल किया, सो दैट इज अवर फाइनल आंसर। उस तो बाद लास्ट पार्ट डी पार्ट सैकेंड का, थ्री एक्स स्केयर वाई वाई स्केयर माइनस सिक्स एक्स स्केयर वाई माइनस नाइन एक्स क्यू वाई स्केयर डिवाइडेड बाय थ्री एक्स वाई। लेट मी मैच द क्वेश्चन, हाँ जी सेम है। हम देखो आप लिखांगे थ्री एक्स स्केयर वाई स्केयर सिक्स एक्स स्केयर वाई माइनस नाइन एक्स क्यूब वाई स्केयर डिवाइडेड बाय थ्री एक्स वाई, तो देखो इन किवें करोंगे आप, सब तो पहला अलग अलग करांगे, थ्री एक्स स्केयर वाई स्केयर डिवाइडेड बाय थ्री एक्स वाई माइनस सिक्स एक्स स्केयर वाई डिवाइडेड बाय थ्री एक्स वाई माइनस
नाइन एक्स क्यूब वाई स्केयर डिवाइडेड बाई 3x। हम आप की करते हैं ब्रेक कर दें, देखो 3 3 दोवें सेम है तो आप ब्रेक नहीं करना। 3x² नू x into x, y² नू y into y, डिवाइडेड बाय 3 x into y। ओके 6 नू की लिख सकते आप 3 2 6, 3 x into x into y डिवाइडेड बाय 3 x into y। माइनस 9 नू की लिख सकते आप 3 x 3 x x x y y। काफी लंबा गया चला क्योंकि x अपने को 3 बार आ रहा है, y कितनी बार आ रहा है अपने को 2 बार, डिवाइडेड बाय 3 x x y। ओके हम देखो कैंसल करो, 3 नाल 3 कैंसल, 1 x नाल x कैंसल, y नाल y कैंसल, तो बाकी की बचे अपने को ओनली xy। देन 3 नाल 3 कैंसल, x नाल x कैंसल, y नाल y कैंसल, इतों की बचे अपने को ओनली 2 एंड x। ओके लास्ट बिच 3 नाल 3 कैंसल, x नाल x कैंसल, 1 y नाल y कैंसल, तो बाकी की बचिया -3 x किन्ने बचे 1 एंड 2 x² देन इट इज y, दैट इज अवर फाइनल आंसर। मैं की कीता सारे उपर वाले जो भी है जिन्या भी टर्म है सारे अलग अलग फैक्टर च ब्रेक किया, फिर 3xy नाल सारे कैंसल किया, तो फाइनल आंसर इज xy -2x -3x² y, दैट इज अवर फाइनल आंसर। इन लास्ट पार्ट वी विल डिवाइड पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल।